आज आपको लेके आ चुके हैं कोलकाता की सबसे बदतमीज सबसे वायरल वाली दीदी के पास, जिनको ना तो बात करने की तमीज़ है कस्टमर से। दुकान पे इन्होंने अपने चाइल्ड लेबर रखे हुए हैं जिससे काम कराती हैं पैसा बचाने के लिए, और हाइजीन का तो आप पूछो ही मत, मतलब हाइजीन का तो इतना ही बुरे हाल है यहाँ पे कि मैं क्या ही। मेरी हमेशा कोशिश रहती है कि फूड कभी भी वेस्ट ना हो, बट ये खाना इतना सॉल्ट वाला था, इतना बेकार था कि मुझे रखना पड़ा। स्टीम राइस साथ में चिकन, साथ में क्या खाना है? मटन खाना, चिकन। ये क्या चीज़ है? आलू फ्राई। ये है करेला फ्राई। ठीक है जी, ठीक है। ऑनियन खाते हो? हम लोग सब तो कुछ खाते हैं। रहा सब्जी, ये मूंग का दाल, और ये आपका चिकन। ये कौन सा है? चिकन का नाम क्या है इसका? चिकन कोशा बंगाली स्टाइल। चलो, होप सो आपको अच्छा लगे। मटन खत्म है अभी? ये आपका आ जाएगा 120 रुपीज का। थैंक यू सो मच। चलो, ये है जी दीदी की थाली। ये राइस है। भीड़ लग रखी है, मतलब मेरे को लग रहा है खाने से ज्यादा लोग यहाँ दीदी को देखने आते हैं, दीदी को सेल्फी लेने आते हैं। बहुत ही ज्यादा तेज नमक है, और जितनी मतलब जितना बड़ी दुकान है उतना फीका पकवान है, वही वाला सीन है सेम। इतना ज़्यादा सॉल्टी है कि मैं टेस्टिंग के बजाय इसको खा भी ना पाऊँ। तो अगर आपको अपना टाइम वेस्ट करना हो, बहुत फालतू टाइम है और बहुत फालतू पैसा है और टाइम पास करना है, तो इससे बिल्कुल भी नॉट रिकमेंडेड। बिल्कुल टाइम मत वेस्ट करो अपना आके। अच्छा है दीदी के पास? बांग्लादेश से मिलने हैं स्पेशली। अच्छा भाई, ये तुम्हारे की ये वेज थाली लगा रहे हैं? वेज थाली कितने का है? ये आपका 50। अरे सॉरी, একটা পোলা উঠবে একটা। कैसा लगता है इतने लोग आते हैं फोटो खिंचवाते रहते हैं, मतलब पूरा दिन फोटो के साथ आधा तो आपका टाइम फोटो में निकल जाता होगा। नॉनवेज आइटम है, बंगाली जो थाली होता है वो सब है आपका जी, आपको मिल जाएगा। और क्या टाइमिंग रहता है अपना? सुबह 10 बजे से लेकर शाम के 3 बजे तक, ये मेरा एंड टाइम चल रहा है। तो जैसे डेली लोग इतने दूर दूर से आते हैं, उनको अभी बताओ कि भीड़ वाला टाइम कम कौन सा रहेगा, कि किस टाइम आना बेस्ट है? कोई टाइम नहीं होता, हमेशा भीड़ रहता ही रहता है। जब भीड़ खत्म तब खाना खत्म, भीड़ खत्म तो खाना खत्म। तो आप थोड़ा सा इसके बारे में बताओ कि बस 2 मिनट लूंगा आपके, कि आपने स्टार्ट कैसे करा था, कैसे आइडिया आया था स्टार्ट करने का? ये कोई आइडिया नहीं, ये मेरा पापा का बिजनेस है। अच्छा, आपके पापा ने शुरू किया था। और एक लोगों ने ना माइंड में इमेज बना रखी है कि आपको हमेशा गुस्सा रहता है, तो उसका पीछे मतलब ऑब्वियस रीजन है कि इतनी गर्मी है और ये सब है, तो उसका क्या वो है, आपका टेक क्या है? गर्मी एक्चुअली मैटर नहीं करता है, मैटर ये करता है कि अभी तो गर्मी ही नहीं है, जब गर्मी का टाइम था तब तो वो हॉरिबल टाइम था। तो एक्चुअली मैटर क्या करते है ना, आप कोई भी काम कर रहे हो और काम के बीच में आकर आपको टोकने लगा, मैंने आपको भी डांट दिया 2-3 बार, आप तो पहले ही आके डांट सुन के गए थे। वो मेरा एकदम हाई टाइम रहता है, क्योंकि उस समय मैं खाना बनाती हूँ। अगर उस समय मैं बातों में बिजी हो गई ना, तो फिर मेरा खाना खत्म। इधर मैं नमक देना भूल जाऊंगी, इधर मैं मिर्ची ज्यादा डाल दूंगी, तो वो प्रॉब्लम हो जाता। तो इसलिए मैं खाना जब बनाती हूँ तब किसी से बात नहीं करती, क्योंकि वो फोटो भी नहीं देती, किसी से खड़े होकर 2 मिनट बात भी नहीं करती। खाना बन जाता है उसके बाद तो कस्टमर आना शुरू हो जाता है, तो ऐसे ही थोड़ा थोड़ा टाइम कर करके बात कर लेते हैं। ठीक है, एक आप बेस्ट आइटम बता दो जो आपके यहाँ खा के हम जाए, बेस्ट जो आप सजेस्ट करोगे। जो वो जो था वो खत्म हो गया। खत्म, अभी क्या क्या है? अभी आपको चावल बन रहा है, चावल का आइटम मिल जाएगा, और मटन वगैरह। मटन मिल एक थाली लगा दोगे? एक लगा दो, पहले चावल होने दो। चलो।